नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं जो अभी ग्रिग इकोनॉमी जो संकट मंडरा रहा है इस पर, इसी से संबंधित आपकी ये आर्टिकल है। तो बात करेंगे आखिर गिग इकोनॉमी अभी चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे कि गिग इकोनॉमी होता क्या है आखिर, उसे भी देख लेंगे। गिग इकोनॉमी के क्या लाभ हैं उसे भी देख लेंगे। औद्योगिकरण को 4.0 और गिग इकोनॉमी में अंतर संबंध क्या है उसे भी देख लेंगे। गिग इकोनॉमी के समक्ष चुनौतियां क्या हैं और भारत में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको पता ही होगा, अर्थव्यवस्था की हालत तो कोरोना वायरस से पहले ही हमारी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर जितनी कसर रह गई थी उतनी आपके कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। ठीक है, लगभग लगभग। अभी कल इंटरव्यू देख रहा था अभिजीत बनर्जी का, जो राहुल गांधी ने अच्छा काम किया, राहुल गांधी ने बात की उनसे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर आदमी का एक पर्टिकुलर काम होता है। जिस तरह आप मानिए, आग का काम क्या है, जलाना, पानी का काम क्या है, बुझाना। ठीक है, इसी तरह जो इकोनॉमिक्स है, फिर चाहे आपके रघुराम राजन ले लीजिए, चाहे फिर आप अभिजीत बनर्जी को ले लीजिए जिन्हें अभी नोबेल प्राइज मिला था, तो इन्हें उस क्षेत्र की समझ है। तो मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी की जगह मोदी को बात करनी चाहिए थी बड़े बड़े इकोनॉमिक्स से कि किस तरह से उबाला जा सकता है हमारी इकोनॉमी को। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कहीं भारत दिवालिया ना हो जाए। दिवालिया का मतलब समझ रहे हैं, जब कोई कंपनी कंगाल हो जाती है यानी कि बर्बाद हो जाती है, उसी को कहते हैं दिवालापन। तो इसी तरह अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि कहीं भारत डर है कि कहीं भारत दिवाला ना हो जाए, क्योंकि हालत देख रहे हैं आप लोग कितनी गंभीर हो गई। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस समय आखिर इस संदर्भ में क्यों चर्चा में। अभी मानव अपने उद्विकास के काल से ही स्वयं व अपने आश्रितों के जीवन निर्वाह हेतु प्रकृति के उत्पादक कार्यों में संलग्न रहा है, जिससे उसकी आय सुनिश्चित होती रही है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक कार्य की अवधारणा बदलती रही है, साथ ही कार्य की प्रकृति को प्रभावित करने के कारणों में भी बदलाव होता रहा है। परिवर्तन के इसी क्रम में हाल के वर्षों में काम की ऐसी एक नई अवधारणा का जन्म हुआ है जिसे गिग इकोनॉमी नाम दिया गया। इससे पहले कि गिग इकोनॉमी वैश्विक रूप से अपना प्रसार कर पाती, वह वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चपेट में आ गई। दुनिया भर में ऐप आधारित नौकरियों का विश्लेषण करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप जॉब्स के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण गिग इकोनॉमी में कार्यरत कर्मचारियों को अधिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस महामारी के दौरान मांग में कमी के कारण गिग इकोनॉमी में कार्यरत कर्मचारियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। बात करते हैं आखिर एक गिग इकोनॉमी से तात्पर्य क्या है, क्या होती है। गिग इकोनॉमी एक ऐसी मुक्त व्यापार व्यवस्था है जहां पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार की बजाय अस्थायी रोजगार का विचलन होता है। इसके तहत कंपनियां या संगठन अपनी अल्पकालिक या फिर विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करती है। ऐसे श्रमिकों में फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, प्रोजेक्ट आधारित श्रमिक और अस्थायी या अंशकालिक श्रमिक आते हैं। ऐसे श्रमिक एक बार कार्य या प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी रुचि के अनुसार दूसरे कार्य या प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। विश्वव्यापी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के अनुसार पूरी दुनिया में गिग इकोनॉमी का प्रसार तेजी से हो रहा है। दरअसल केंद्रीकृत संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डैशबोर्ड, वास्तविक समय कार्य निर्धारण इत्यादि के तकनीकी विकास में गिग इकोनॉमी के
लिए एक बाजार निर्मित किया। तो वही स्टार्टअप संस्कृति के उद्भव ने इसे लोकप्रिय बना दिया। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी के लाभ क्या हैं। बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के भी गिग इकोनॉमी का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जो इसके विशेष लाभों का परिणाम है। गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा लाभ उच्च कौशल युक्त मानव संसाधन की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता है। एक शोध के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि से संबंधित 40% यानी कि 40% कंपनियों को आवश्यक योग्यता युक्त प्रतिभा खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रतिभा संपन्न गिग कर्मचारियों की उपलब्धता उनकी समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में कंपनियों को दूसरा सबसे बड़ा कम श्रम लागत के रूप में मिलता है। कंपनियों की श्रम लागत में कमी के दो तरीके, एक तो उन्हें गिग प्रणाली के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण खर्च व ऑफिस व्यय में बचत होती है, दूसरे उन्हें कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले अंशदान संबंधी व्यय से भी मुक्ति मिल जाती है। गिग इकोनॉमी में कंपनियों को तीसरा बड़ा लाभ है, यह होता है कि उनकी बाहरी मानव संसाधनों तक पहुंच आसानी से हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में गिग कार्मिकों से अधिक बेहतर परिणाम हासिल होता है। इसके अतिरिक्त कंपनियों को एक बड़ा लाभ इस रूप में भी प्राप्त होता है कि गिग कार्मिक उत्पादों व सेवाओं के विकास में नवाचार और तेजी लाते हैं। अब अगर गिग इकोनॉमी के लाभों को गिग कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कार्मिक को सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उन्हें एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। कार्मिकों के संदर्भ में गिग इकोनॉमी का अन्य सबसे बड़ा लाभ इससे महिलाओं को मिलने वाला लाभ है। भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामान्य तौर पर देखा जाता है कि महिलाएं विवाह की सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वाह के उपरांत तथा प्रजनन व शिशुओं की देखभाल की प्रक्रिया से गुजरते हुए पूर्णकालिक कार्मिक के तौर पर अपनी भूमिका को नियंत्रण नहीं बनाए रख पाती। इस स्थिति में उनके बेरोजगार होने या फिर आगे बढ़ने की आपसी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में गिग इकोनॉमी की अवधारणा उनके लिए एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करती है। ये थे आपके गिग इकोनॉमी के लाभ। अब बात करते हैं उद्योगीकरण 4.0 और गिग इकोनॉमी में किस तरह अंतर संबंध है। अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोस के अनुसार कोई भी कंपनी तब तक फलती फूलती रहेगी जब तक कि चार दीवारी में बैठक बैठा कर लोगों से काम कराना बाजार में जाकर काम करा लेने से सस्ता होगा। यानी कोई भी कंपनी यदि बाजार में जाकर प्रत्येक विशिष्ट काम अलग अलग विशेषज्ञों से कराती है और यह लागत कंपनी के सामान लागत से कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह एक निश्चित वेतन पर लंबे समय के लिए लोगों को नौकरी पर रखने के बजाय वह बाजार में जाना पसंद करेगी। औद्योगिक क्रांति 3.0 में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण ने बाजार में निकलकर काम लेना आसान बना दिया। यही कारण था कि बड़ी कंपनियों तेजी से बंद होने लगी और छोटे छोटे आउट सोर्सिंग फार्मों ने इन कंपनियों की जगह ले ली। दरअसल औद्योगिकरण 4.0 मुख्य रूप से अनवरत इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी पर आधारित है। अतः कंपनियों को अब वैसे ही लोगों की जरूरत पड़ेगी जो दक्ष हैं और जिनसे प्रोजेक्ट बेसिस पर काम लिया जा सकता है। गौरतलब है कि औद्योगिकरण 4.0 के कारण हमारे कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी जैसे तमाम तकनीकें जब आपस में मिलेंगी तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, यानी कि समस्याएं क्या आ रही हैं। कार्मिकों की परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गिग इकोनॉमी में उन्हें सामाजिक सुरक्षा के उपायों और सामयिक अधिकारों के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के लाभ, बीमार होने पर अवकाश तथा ओवरटाइम वेतन जैसे लाभ उन्हें हासिल नहीं होते। कंपनियों के द्वारा गिग कार्मिकों को कभी भी काम से हटाया जा सकता है, यानी उन्हें कार्यकाल की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस जैसे लाभों से भी वंचित होते हैं। गिग कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में दूसरी बड़ी समस्या ढांचागत क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी का उन्नत ढांचा शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति उन्नत नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए गिग इकोनॉमी का लाभ उठा पाना एक सपना है। कंपनियों के संदर्भ में गिग इकोनॉमी की चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती कंपनी की कार्य संस्कृति को प्रभावित होने से बचाना है। गिग कार्मिकों के अस्थायी कर्मचारी होने से टीम भावना में कमी आती है, जैसे कंपनियों की कार्य संस्कृति नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो सकती है। कंपनियों के समक्ष दूसरी बड़ी चुनौती अपने महत्वपूर्ण डेटा व भविष्य की योजना की रूपरेखा की गोपनीयता से संबंधित देखी जाती है। कंपनियों की सबसे समक्ष तीसरी बड़ी चुनौती भारत में गिग कार्मिकों के समुच्चय का अभाव है। इसके अतिरिक्त कंपनियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती गिग कार्मिकों के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व आउटपुट से संबंधित है। तो ये थी आपकी समस्याएं गिग इकोनॉमी की। अब बात करते हैं भारत में इसकी प्रासंगिकता। अमेरिका में यहाँ श्रम शक्ति का 31% गिग इकोनॉमी से संबंध रखता है, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा 75% है। लेकिन दोनों ही देशों में आर्थिक परिदृश्यों में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में 31% श्रम गिग इकोनॉमी का भाग इसलिए है क्योंकि वह सक्षम है, जबकि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस अवस्था व्यवस्था के हिस्से इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। विदित है कि दैनिक मजदूर मजदूरी करने वालों को भी गिग इकोनॉमी का हिस्सा माना जाता है, यानी कि अस्थायी। भारत में 40% लोग इतना ही कमा पाते हैं कि दो वक्त की रोटी खा सकें। बचत के नाम पर उनके पास कोई भी नहीं है और वे लगातार गरीबी में जीवन व्यतीत करने को अभिशापित है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में अगले 2 दशकों में 1.5 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में तो मानव संसाधन इतना दक्ष है कि उसे गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन भारत में यह स्थिति नहीं है। आगे की राय क्या हो सकती है? निसंदेह इस वैश्विक महामारी ने गिग इकोनॉमी के प्रसार में ब्रेक लगा दिया, परंतु इस बात की संभावना है कि लॉकडाउन के बाद इसका तीव्र गति से प्रसार हो। ऐसे में सरकार द्वारा गिग कार्मिकों के कुछ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल करनी चाहिए। इसके साथ ही सर्वप्रथम सरकार द्वारा गिग कार्मिकों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। गिग इकोनॉमी की बेहतरी की दिशा में सरकार के स्तर पर एक बड़ा प्रयास कुशल मानव संसाधन विकसित करने संबंधी होना चाहिए। गिग कार्मिकों को आपस में जोड़ते हुए एक समुच्चय बनाने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म भी तैयार
करना चाहिए जिसमें गिग कार्मिकों की क्षमता व योग्यता की जांच हो सके। भारत के पास एक विशाल मानव संसाधन की उपलब्धता है। इस संसाधन को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर इसका उपयोग गिग इकोनॉमी में लिया जा सकता है। लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों के लिए कौशल दिया जाए और इसके लिए अवसंरचना का भी विकास किया जाए। पूर्व की औद्योगिक क्रांतियों के अनुभवों से यह ज्ञात होता है किस परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित वे समूह होते हैं जो अपनी कौशल क्षमता में निश्चित समझ के भीतर अवांछित सुधार लाने में असमर्थ होते हैं। अतः सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध कराएं। तो ये थी पूरी आपकी गिग इकोनॉमी की कहानी।